नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूं हरियाणा बोर्ड यानी HBSC की डेट शीट के बारे में और उनके जो पेपर स्टाइल में जो चेंज आ गया है एक बार फिर से उसको बताने के लिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। आप लोग है ना, वीडियो को देखे वगैरह अगर कमेंट करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, तो समझ लीजिए। ज़्यादा हम उसमें कोई लंबा खींचने वाले नहीं हैं। तो देखिए, बिल्कुल सी नई अपडेट है। पहली बात तो डेट शीट के लिए अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आप मान के चलिए जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरे सोर्स है जहाँ से मुझे पता लग पा रहा है, आप मान के चलिए कि आपके 27 अप्रैल से एग्ज़ाम होंगे। तो उसी को फाइनल मान के चलिए, आप लोग मान के चलिए फाइनल एग्ज़ाम है वो आपका 27 के करीबन से, अप्रैल के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम श्योरली होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो एक बार फिर बदल गया है। अब आप कहोगे वो वीडियो हमने देख रखी है सर, वो वीडियो नहीं, इस बार जो मैंने कहा था भी ऑब्जेक्टिव इतने आएंगे और वो चीज़ें नहीं कह रहा मैं। अब आपको क्या है कि दो पेपर देगा बोर्ड, आपको दो पेपर देने वाला है। कैसे समझो उसको, आपको पेपर दो पार्ट में प्रिंट हुआ मिलेगा, पार्ट वन और पार्ट टू में। अब सर ये क्या समस्या है? नई समस्या नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा इसका सुझाव किया, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में पार्ट ए और बी में क्या है, यानी पार्ट वन और पार्ट टू में क्या पूछ रहा है वो आपसे। पार्ट वन में आपको देगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सुनो, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यानी बड़े क्वेश्चन, यानी जो कम से कम दो के हों, चार के हों या छः के हों, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, दो तीन चार छः के, यानी जो एक से ज़्यादा नंबर के होंगे वो आपके होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पार्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे मान के चलिए हाफ जो आधे नंबर हैं आपके, मैं 1/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आधे नंबर आपके किसके हैं, आधा, चलो यहाँ आधा लिख देता हूँ मैं, आधे जो नंबर का पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, आधा आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो एक बार फिर से क्लियर कर दूं ऑब्जेक्टिव को लेके, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उसमें सिर्फ MCQ आएंगे, तो MCQ नहीं आएंगे, क्लियर कर लो। MCQ के साथ साथ यानी चार ऑप्शन वालों के साथ साथ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनो, वन वर्ड वाले कौन से, जिसमें आंसर सिर्फ एक वर्ड का होगा वो आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स जैसे आ सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर वाले आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। अब बदलाव क्या है, बदलाव को समझो। आपको जब पेपर शुरू होगा ना, आपको जब पेपर शुरू होगा तो आपको टोटल 2.5 घंटे का पेपर है। तो पहले पार्ट वन करते टाइम आपको सबसे पहले पेपर का जो पार्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे, उसमें क्या है, आपको पार्ट वन जो है वो दिया जाएगा, स्टार्टिंग में पार्ट वन दिया जाएगा जो कि आपका सब्जेक्टिव है, यानी बड़े क्वेश्चन लिखने वाले जो हैं आप वो करेंगे पार्ट वन में। तो वहाँ पर आप जब करेंगे, उसके बाद में जब वो कर लेंगे, आपको 1.5 घंटे के बाद में, गिवन आफ्टर 1 hour and 30 minutes, 1.5 घंटे के बाद में आपको पार्ट टू दिया जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का जो कारण है, बोर्ड ने जो माना है, बोर्ड को ये लगता है कि मान लीजिए कि ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्या होता है कि कई बार बाहर से कई लोग हस्तक्षेप करते हैं, कुछ एक लोग बाहर से उनके आंसर वगैरह भेज देते हैं, पेपर इधर उधर से भेज के आंसर मंगवा लेते हैं। तो बोर्ड ने इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कितने हो गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, तो बोर्ड को ये लग रहा है कि कहीं 40 नंबर में कोई घपला गड़बड़ी ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो पेपर है आपका पार्ट टू जो है ये आपको दिया जाएगा पेपर के 1.5 घंटे के बाद में, ठीक है, 1.5 घंटे के बाद में, यानी जब आप पार्ट टू जब आप करेंगे तो आपको इसे करने के लिए, पार्ट टू करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। अब मान के चलिए 1 घंटा मिलेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ पे आधे नंबर के क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई पेपर आपका 80 नंबर का है, ठीक है, टोटल आपका एक पेपर है जो 80 नंबर का है, तो 40 का सब्जेक्टिव होगा और 40 का ही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो 80 का एक एग्जांपल के लिए समझा है, कई फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के क्या हो सकते हैं, 60-60 के भी हो सकते हैं, तो उनमें यहाँ पे 30-30 हो जाएंगे। ये जो 40 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे ये 1 घंटा में करने पड़ेंगे आपको, यानी कि इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 60 मिनट में। अब आप कहोगे सर ये तो आसान होते हैं,
आसान नहीं होते हैं आपके लिए, चिंता की बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कुछ एक तो चलो आसानी से पता लग जाएगा, हमें सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करिए, मार्केट में जितने भी आपको MCQs वगैरह की नोटबुक बुक वगैरह मिलती है वो ले लीजिए, मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, फेसबुक पे उसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना PDF, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को बोल देना, चाहे आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपको वहाँ से अवेलेबल करवा दूंगा, या मेरे को फेसबुक पे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको दे देंगे। तो यहाँ पे बोर्ड एक और उससे बड़ी अपडेट ये है कि क्या सर सारे पेपर में होगा? देखिए कुछ एक पेपर होते हैं 30 या 40 नंबर के होते हैं, जैसे फाइन आर्ट का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, या देखिए म्यूजिक का हो गया, डांस का हो गया, ड्राइंग का हो गया, फाइन आर्ट का हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के जो एग्ज़ाम है, यानी जो छोटे एग्ज़ाम है जो खुद ही 30-40 नंबर के हैं, उनमें पार्ट वन और पार्ट टू नहीं होगा। वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ने अपने बताने की कोशिश की है हमें कि इनमें पार्ट नहीं होगा। तो म्यूजिक, फाइन आर्ट, ड्राइंग और एनिमल हस्बेंड्री जो है, इनमें आपके पार्ट वन और पार्ट टू में नहीं पूछेगा, वो सीधा आपको पेपर देगा, यानी यहाँ पे आपको इस रूल से रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी एग्ज़ाम आपको सारे के सारे इसी पैटर्न के हिसाब से देखने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आप वीडियो को लास्ट से देख रहे हैं तो आप में मदद मिलेगी। देखिए उसमें क्या है कि अब पार्ट वन दो पार्ट में पेपर आएगा, सीधी सी बात यह है, सब पूरा क्लियर कर लीजिए फंडा, दो पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन आपको पेपर स्टार्ट होते ही दिया जाएगा, जिसमें आधे नंबर के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, यानी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, वो वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। फिर पार्ट टू में क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने क्लियर कर दिया है, फिर से MCQ, वन वर्ड एक्सेट्रा, जो ट्रू फॉल्स या इस तरह के सिर्फ यस और नो में आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ मिलेंगे आपको, लेकिन इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक घंटा दिया जाएगा, वो भी लास्ट का। तो यहाँ पे जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और जिनको ये आस उम्मीद है किसी भी तरह से बाहरी हेल्प की या चीटिंग के सारे जो जीना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वो अपने आप को सुधार कर लें इस चीज़ पे, क्योंकि आपको एक घंटा मिलेगा लास्ट का। एक घंटे में मान के चलिए, जब एक घंटे बाद जब पेपर का रहेगा आपका, जब तक अगर किसी के दिमाग में है तो आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, या आपके भी माइंड में है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा कि एक घंटे पहले आपको पेपर दिया जाएगा। तो मान के चलिए अगर कोई जैसे तैसे जुगाड़ करके भी कोई पेपर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना, कोई करेगा तो वैसे तो गलत है, लेकिन कोई करने की कोशिश भी करेगा तो 20 मिनट बाद तो कम से कम वो पहुंचाएगा, 20 मिनट में उसके आंसर की लाएगा, और तब तक आपका टाइम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस भरोसे ना रहिए, मैं आपको सीधी सीधी हिदायतें दे रहा हूं कि आप इसमें सीधी सीधी अपनी तैयारी कर लीजिए। और बोर्ड ने एक बात और कही है, बोर्ड ने ये बात कही है कि आपको वर्कशीट दी जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ ऐसे क्वेश्चंस की। तो दोस्तों मैंने अलग से अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट जो है मैंने खुद ने अपने लेवल पे बना ली हैं, तो आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।